जी माजी, आप बिल्कुल परेशान बतोइए। हम लोग यहाँ पे हैं ना, पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। जी माजी, हम शादी में पहले पहुंच जाएंगे। जी हाँ हाँ, टिकट हो गया है। अच्छा नमस्ते माँ जी, चिंता मत करिएगा। आपने माँ जी से बात क्यों नहीं की? क्या बात करूं माँ जी से, बात करते करते 3 महीने गुजर गए। अब अगर वो पूछती कि पैसों का इंतजाम क्या हुआ तो मैं क्या जवाब देता उन्हें कि हाँ अम्मा कर रहा हूं। आप परेशान क्यों होते हैं? भगवान है ना, वो हमारी मदद जरूर करेगा। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जिनके पास पहले से करोड़ों हैं। रोज ही देखता हूं बड़े बड़े होटलों में लोग एक रात में लाखों रुपए उड़ा देते हैं अपनी अय्याशी पे, और 2 रुपए के लिए हम जैसे ऑटो वालों से झगड़ा करते हैं। हाँ, किसी किसी का स्वभाव ही ऐसा होता है। नियम कानून ईमानदारी हम गरीबों पर ही आजमाते हैं। खुद तो गलत सलत तरीके से लाखों करोड़ों कमाते हैं, फिर भी हम गरीबों का पैसा मार लेते हैं। अरे 2 रुपए के रह गए ऑटो वाले के पास, उसे नियम कानून पढ़ाने लगते हैं। हाँ भाई, सारे नियम कानून उसूल तो हम गरीबों के लिए ही बने हैं। अच्छा, आप वो जौनपुर वाले चाचा के पास गए थे, क्या कहा उन्होंने? कहेंगे क्या, बस अपना रोना लेकर बैठ गए कि भाई खर्चा पानी नहीं निकल पा रहा है, दुकानदारी ठीक से नहीं चल रही है, जब से उत्तर भारतीयों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए हैं धंधा तो बिल्कुल मंदा ही पड़ गया है, अब पैसे कमाए की जान बचाएं। बस एक चाय पिलाकर लौटा दिया। तो हम पैसों का इंतजाम कहां से करेंगे, कहां से लाएंगे 50,000 रुपए? ऊपर से गांव में माताजी पिताजी सब परेशान है। लड़के वाले बोल रहे हैं उन्हें नगद चाहिए, अगर पैसे नहीं दिए तो बहन की बारात लौट जाएगी। तो क्या करूं मैं, दिन रात मेहनत करके 3 महीने में 50,000 रुपए नहीं जोड़ सका मैं। वो तो गांव में बैठे बैठे उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बेटा ऑटो रिक्शा नहीं चला रहा बल्कि नोट छापने की मशीन चला रहा है। बस फोन कर देते हैं कि पैसे भेज दो, आज ये जरूरत है कल वो जरूरत है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, गुड़िया आप ही की बहन है, और माँ बाबू जी आपसे पैसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? पता है मुझे कि गुड़िया मेरी बहन है, लेकिन इस शहर को नहीं पता है कि मुझे मेरी बहन की शादी के लिए 50,000 रुपए चाहिए। अब अगर मैं अपने आप को भी बेचने जाऊं ना तो भी 50,000 रुपए नहीं मिल पाएंगे मुझे। मुझे तो लगता है इस पूरी दुनिया को आग लगा दूं। अब दुनिया को तो आग नहीं लगा पाएंगे, लेकिन हाँ खुद को आग जरूर लगा लेंगे। लीजिए जेवर, इसे बेच दीजिए, फिर पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से करना तो पड़ेगा ना। क्या समझती हो कि तुम्हारे इस चूड़ी और मंगलसूत्र से मिल जाएंगे 50,000 रुपए हमें? आखिर कुछ तो मिलेगा ना। इस कुछ से कुछ नहीं होने वाला विद्या, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप? अपना ऑटो बेच दूंगा, 40,000 रुपए तो मिल ही जाएंगे। आपने ये सोचा गांव से वापस आके क्या करेंगे फिर हम यहाँ पर? कुछ भी कर लेंगे, वो अपने जौनपुर वाले चाचा जी है ना। हाँ। उनसे एक खोमचा लूंगा और सामान भेलपुरी बेचूंगा, और क्या। आपने कभी भेलपुरी बनाई है? बुराई सब कुछ सिखा देती है विद्या। ये जो मुंबई में इतने सारे भेलपुरी वाले मिलते हैं ना, उन्होंने गांव में कभी भेलपुरी का नाम भी नहीं सुन रखा होगा, और यहाँ मुंबई में आकर भेलपुरी वाले भैया के नाम से जाने जाते हैं, जैसे भेलपुरी बनाना उनका खानदानी काम हो। ये आपके स्तर का काम नहीं है।
भाई तुम तो ऐसे बात करी हो जैसे ऑटो रिक्शा चलाना देश चलाने के बराबर है। देखो ऑटो रिक्शा वाले भी गाली खाते हैं और भेलपुरी वाले भी, दोनों का स्तर एक ही है, समझी? सर आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ। नहीं नहीं ना, मेरी बात तो सुनिए ना सर, आप शूटिंग तो शुरू कीजिए। इंशाल्लाह आपका पेमेंट अगले महीने हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर आप तो जानते हैं ना, पेमेंट में कभी कभी देर हो जाती है, कभी कभी हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप शूटिंग ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं सर, प्लीज डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मैं प्रोड्यूसर साहब से बात करता हूँ कि आपका पेमेंट जल्द से जल्द सबसे पहले कर दिया जाए। हाँ सर प्लीज, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी मुझ पर, मेरे लिए से। हाउ नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। किसका फोन था भाई? ये वही रोज का रोना यार, पेमेंट नहीं तो शूटिंग नहीं। अब मैं कहाँ से लाऊं पेमेंट, मेरी खुद की सैलरी 3 महीने से नहीं मिली है। एक्टर लोगों का भी सही है ना यार, अरे चार चार महीने पेमेंट नहीं करोगे तो बवाल तो करेंगे ना यार। अरे एक्टरों को मारो गोली यार, ये अपनी खुद की हालत खराब है। जिस भाई साहब के साथ रहता था उनका ट्रांसफर हो गया लखनऊ, अब रहूंगा कहाँ ये फिक्र मुझे दिन रात खाए जा रही है। झोपड़पट्टी में भी घर किराए पर लेने जाए ना तो 25,000 रुपए डिपॉजिट, 25,000 रुपए, अब कहाँ से लो 25,000 रुपए। ये बात तो सही है भाई, मुंबई पैसे वालों की, इधर रहने का तो पैसे तो कमाना पड़ेंगे। तो क्या चोरी करूं, डाका डालूं किसी बैंक में? बात कर रहा है भाई, बुरा नहीं माना, आप बहुत डिप्रेस्ड हो गए, जबान देखिए आपकी कितनी गंदी हो गई आजकल, बात बात पे गुस्सा आने लगता है, ये गलत बात है भाई। रशीद अभी अपना लेक्चर चालू करके दिमाग का दही मत करा, एक तो सेट पर से फोन पे फोन आ रहे हैं कि कब आ रहे हो, उधर भाई साहब की ट्रेन का टाइम हो गया है उनको छोड़ने जाना है, इधर मेरा खुद का सामान पैक करके अंधेरी पहुंचाना है, इतने सारे टेंशन है वो अपना स्कूल खोल के बैठ गया। अरे तो बोलो ना प्रोड्यूसर साहब को, बोलो उनके लिए काम करते हो ना तुम। ये क्या है, नजर नहीं आ रहा क्या? बोला था 10,000 का पोस्ट डेटेड चेक दिया, पोस्ट डेटेड, क्या करूं, निचोड़ू या ना हो, क्या करूं उसका? उनको भी अपने 50 टेंशन, वो अपनी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेंगे, मेरी औरों की नहीं। दुनिया है भाई, यही दुनिया है। साली लगता है कोई नई मुसीबत खड़ी हो गई सेट पर। किसका फोन है? मुन्ना का। साला जब भी सेट पर से फोन आता है ना तो लगता है कि फोन को तोड़ के मरोड़ के फेंक दूं, किसी का फोन रिसीव ना करूं। लेकिन मुन्ना का फोन तो उठाना पड़ेगा ना भाई, जाने क्या प्रॉब्लम हुआ? मरने दे, करेंगे अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व, मुझे मेरी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करनी है। काम करते हैं, पहले भाई साहब को वीटी स्टेशन पहुंचाते हैं, उसके बाद सेट पे जाएंगे। राम राम दिनू काका। अरे भैया कौन है? हम हैं राम। अरे राम तुम बोलो कैसे आना हुआ, आओ बैठो। अरे भैया मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अरे राम तुम तो जानते हो कि आजकल ऑटो का धंधा कितना खराब हो गया है, साला पेट्रोल का दाम दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है और मीटर का किराया वही 50 ऑटो चलते हैं मेरे, फिर भी उसमें से घर का खर्चा निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सॉरी यार मैं तुम्हारी अभी कोई मदद नहीं कर सकता, सॉरी। भैया दरअसल मेरी बहन की शादी है 10 दिन बाद। मुबारक हो राम, मुबारक।
इस टाइम में अपनी बहन की शादी करना इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? अब ना वो बेचारा विद्या याद है, उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली थी। दहेज नहीं मिला तो बाराती वापस लौट गई। तुम खुश नसीब हो, लेकिन सॉरी यार, मैं शादी में नहीं आ पाऊंगा। अपनी बहन को मेरी तरफ से आशीर्वाद देना, ये शगुन के 11 रुपये मैं देता हूँ। इसे तुम रख लो। अरे यार, चिल्लर तो है नहीं, 1 रुपया अपनी तरफ से दे देना। मैं यहाँ तुमसे शगुन लेने नहीं आया हूँ। अरे यार, इससे अधिक मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अच्छा, मेरा ऑटो खरीदोगे? कितने का बेचोगे? 50,000 का। मजाक कर रहे हो राम तुम भी, है? 80-90 में तो नया मिलता है, पुराने का 50 कौन देगा? क्यों? मेरे ऑटो का भी साल भर भी तो नहीं हुआ है। अरे एक साल में तुमने कितना दौड़ाया है उसको, है? सब घिस-घिसा गया होगा आर्ट्स पार्ट्स उसका। कितना दोगे? कितना दूंगा? 25। मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अरे राम, क्या बोल रहे हो? ये बोलकर तुमने मेरे दिल पर चोट पहुंचाई है। अरे नहीं बेचना है तो मत बेचो ना, मैं कोई जोर जबरदस्ती तो कर नहीं रहा। अच्छा ठीक है, 40 दोगे? 40? चलो ठीक है, 40 दिया। तुम्हारी बहन अपनी बहन, शादी तो निपटानी पड़ेगी ना। 40 दिया। मेरी एक शर्त है। क्या है शर्त? जब तक मैं गांव नहीं जाता, ऑटो मेरे पास ही रहेगा। हाँ, तुम अपने पास रखो, गांव से वापस लौटने के बाद भी तुम अपने पास रखो, उसको चलाओ, लेकिन किराया टाइम से दे देना। धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, बड़ी कृपा की आपने। वैसे पैसे कब दोगे? जब गांव जाना लगना तब ले लेना, ऑटो गैरेज में खड़ा करना और पैसे मिल जाएंगे। ठीक है ठीक है, चलता हूँ। चलो। अरविंद, ये क्या कर रहा है तू? 1 घंटा हो गया, कभी ट्रॉली उधर लेके जा रहा है, कभी इधर लेके जा रहा है। कब शूटिंग करूंगा मैं? मुन्ना, बच्चों का यूनिफॉर्म कहाँ है? मेरे को नहीं पता सर। मतलब मेरे को किसी ने रिक्वायरमेंट ही नहीं दिया सर। राजीव। हाँ जी। अरे वहाँ क्या कर रहे हो तुम, इनको रिक्वायरमेंट नहीं दिया? सर मैंने नीरज को बोला था। अरे नीरज प्रोडक्शन संभालता है क्या? वो क्या है कि ब्रेकडाउन TCR सब मुझे ही लिखना पड़ता है, मैं भी बिजी था। और अरे ये तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? राजीव, यहाँ सबसे सीनियर तुम हो। नीरज को बुलाओ। नीरज। मुन्ना ये क्या है? हाँ बुलाया सर। तुमने रिक्वायरमेंट क्यों नहीं दिया? सर मैंने सुबह ही बोल दिया था अजमत भाई को। अरे यार, ये शूटिंग हो रही है कि मजाक हो रहा है? कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। स्क्रिप्ट तुम्हारी सेट पे आती है, फिर बोलते हो अच्छा काम नहीं हो तो चैनल से कंप्लेंट आती है। जब तक यूनिफॉर्म नहीं आई ना, शूटिंग नहीं होगी। ब्रेक। हाँ बोल मुन्ना। अरे वो डायरेक्टर साहब ने तो ब्रेक बोल दिया। ब्रेक बोल दिया? क्यों? वो बच्चे का यूनिफॉर्म नहीं आया ना अभी तक। तो क्या बच्चे बिना यूनिफॉर्म के शूट नहीं करेंगे? वो बच्चे स्कूल से आया ना, तो यूनिफॉर्म तो होना चाहिए ना। अरे तो तुमने मंगाया क्यों नहीं यूनिफॉर्म? अब मेरे को क्या पता, बच्चे का यूनिफॉर्म चाहिए। आपको नीरज ने बताया था, आपने मेरे को नहीं बताया। भूल गया। मैंने चाइल्ड आर्टिस्ट से कह दिया था अपना स्कूल का बैग और यूनिफॉर्म लेकर आ, उसने नहीं लाया क्या? अरे वो तो खाली स्कूल बैग लेके आ गया। एक काम कर, डायरेक्टर साहब से प्यार से बात कर और बोल के एडजस्ट करो सर, एडजस्ट करो। वो बोलता है कितना एडजस्ट करो, कभी टाइम पे सामान नहीं आता है तुम्हारा, कभी ये नहीं आता है, कभी वो नहीं आता है। तो आज यूनिफॉर्म चाहिए तो चाहिए। ठीक है मैं आता हूँ। साला ये डायरेक्टर्स भी ना, सारे के सारे K80 बनने के चक्कर में रहते हैं।
अरे नहीं यूनिफॉर्म तो नॉर्मल कपड़े में शूट करो ना, ऑडियंस समझ जाएगी कि भाई बच्चे स्कूल से आए हैं, नहाए धोए हैं, फ्रेश हो गए, कपड़े बदल दिए हैं। अगर नहीं, ईपी की बैंड बजानी है ना तो बजाएंगे। इसी एपिसोड में उनको ऑस्कर चाहिए। भाई ये डायरेक्टर का भूत हो गया अभी, ये बहुत मच कर रहा है। चला मैं तो बोलता हूँ इसको हटाओ और इसके असिस्टेंट को डायरेक्टर बना दो। उसके बारे में बाद में सोचते हैं, पहले आज की शूटिंग तो निपटा देते हैं। एक काम कर, ये 50,000 रुपये हैं मेरी बाग में रख, 2 दिनों से टेक्नीशियंस का पेमेंट नहीं किया है, आज उनका हिसाब पूरा करेंगे। भाई इतने में हो जाएगा? अरे कुछ तो आंसू पोछेंगे, कुछ तो राहत होगी। भाई साहब तो चले गए, मुझे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है यार, मेरा ठिकाना ढूंढना है। काम कर, वो बैग में रख मेरी, निकल दे, चल 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 निकल दे, चल दे बाद में। बस 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 बस। हाँ कितनी हुए भाई? 35 रुपए। 35 कैसे? कार्ड दिखाओ। ये देखिए, ₹34.25 हुए। 35 क्यों कहा? छुट्टा नहीं है इसीलिए, राउंड फिगर। तो कंबल डाल के लूट लो, ऑटो क्यों चलाते हो? हाँ डाका डालो। ये साहब ज्यादा बोलने का नहीं, 25 पैसा छुट्टा है तो दे दो। मैं क्यों दे दूँ? तुम तो 75 पैसे दे दो, निकालो। मेरे पास नहीं है। नहीं तो छुट्टा करा के लाओ, मैं 75 पैसे ज्यादा नहीं दूंगा। क्यों, गरीब हो जाओगे? बात उसूल की है, जितना मीटर से हुआ है उतना ले लो, उससे 1 भी पैसा ज्यादा नहीं दूंगा, समझे? मगर मेरा उसूल है कि मैं भिखारियों को 25 पैसे दे देता हूँ। निकालिए 34 रुपए। भिखारी किसको बोला बे? बड़ा राजा बन रहे, बहुत पैसे है तेरे पास। एक दूंगा ना बेटा तो अभी सीधा यूपी वापिस चला जाएगा, समझा? अरे बहुत, उससे 1 भी पैसा ज्यादा नहीं दूंगा, समझे? मगर मेरा उसूल है कि मैं भिखारियों को 25 पैसे दे देता हूँ। निकालिए 34 रुपए। भिखारी किसको बोला बे? बड़ा राजा बन रहे, बहुत पैसे है तेरे पास। एक दूंगा ना बेटा तो अभी सीधा यूपी वापिस चला जाएगा, समझा? अरे बहुत देखे तुम जैसे यूपी भेजने वाले। निकालिए 34 रुपए और रास्ता नापिए अपना। नहीं देंगे तो क्या कर लेगा? क्या कर लूंगा? मतलब मुफ्त में चलोगे? अरे पैसे नहीं है तो बता दो साफ साफ, मैं माफ कर दूंगा। साले 2 टके के हाथ में बोल वचन देता है? राजा भोजो बेटा, तू दान करेगा बे? क्या कर रहा है भाई? अभी एक पैसा नहीं देना ही दे, साला भूल दे रहे। मत दो, गरीब आदमी हूं ना। अरे थप्पड़ क्यों, गोली मार दो मुझे, गला घोट दो मेरा। पागल हो गया भाई तुम, चलो। अरे उसके पैसे तो दे। एक पैसा नहीं देना भाई से, सब चोर है साले। मीटर फास्ट रखते बहुत तुम्हारे लिए आजकल। तो शूटिंग रोकने की जरूरत क्या थी? क्योंकि शूट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं थी। तो कौन सा मुगले आजम बना रहे जो बिना असली मोती के शूटिंग नहीं करेंगे? अजमत तुम्हारे लिए ये एपिसोड है, मेरे लिए मुगले आजम से भी बड़ी चीज है, समझे? मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, अपना 100% देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर आदमी ईमानदारी से काम करे। तो कौन बेईमानी कर रहा है यहाँ पे? तुम। शूटिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, कभी ये नहीं है कभी वो नहीं है, कितना एडजस्ट करूंगा मैं? और अब बिल्कुल एडजस्ट नहीं होगा, जब तक बच्चों की यूनिफॉर्म नहीं आएगी ना शूट नहीं होगा, समझे? ठीक, यूनिफॉर्म जब तक नहीं आएगा शूट नहीं होगा। ए, रशीद, रशीद जी भाई। रशीद वो मेरा बैग ला। कौन सा बैग भाई? अरे वही जिसमें पैसे रखे थे शूटिंग के। लेकिन वो बैग तो आपके पास था ना भाई। मेरे पास था? मेरे पास तो, ओ गॉड क्या हुआ भाई? अरे वो बैग मैंने सीट के पीछे रखा था, तुमने निकाला नहीं वहां से? मैंने नहीं निकाला भाई, मैंने सोचा आपने निकाल लिया होगा, फिर उसके बाद तो भाड़े का मचमच चालू होगा ना। या अल्लाह क्या हुआ भाई? अरे वो बैग उस रिक्शा में रह गया।
तुम एक कप चाय बना लो मेरे लिए। चाय? खाने के टाइम पे चाय? क्या क्या हुआ है आज आपको? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम एक कप चाय तो ले आओ मेरे लिए। और हाँ, हम कल सवेरे की गाड़ी से ही गांव जा रहे हैं। गांव? पैसों का इंतजाम हो गया क्या? हाँ हो गया। कहाँ से? यही तुम औरतों की बुरी आदत होती है, हर बात में सवाल। अरे भाई हो गया पैसों का इंतजाम, अब कहाँ से हुआ ये पूछना जरूरी है क्या? बीबी हो तुम्हारी, इतना तो अधिकार है ना मेरा तुम्हारे ऊपर। भाई इसके अलावा भी तुम्हारा बहुत सारा अधिकार है मेरे ऊपर, लेकिन इस समय उन सबको भूल कर चलने की तैयारी करो। पैसे हैं मेरे पास और जितने चाहिए थे उतने हैं, लेकिन बस अब और कोई बहस और सवाल मत करना, ठीक है? मैं भी आता हूं। क्या हुआ है इनको, इतने पतले बदले से नजर आ रहे हैं। हाँ जी, पैसे लाए हो? जी पिताजी। हाँ पिताजी, अरे भाई अभी से रिश्ते नहीं जोड़ो, तुम्हारी बहन जब हमारी बहू बन जाए तभी तुम पिताजी कह सको हमें। और वैसे भी पहले रिश्ते जोड़ने वाले इन रिश्तों की दुहाई देकर पैसे कम करवाने की कोशिश करें, समझे? जी समझ गया। समझ गए ना? तो निकालो नकद नारद पूरे 50,000। जी ये लीजिए। अब तुम हमें पिताजी बोल सको। गिन लीजिए पूरे 50,000 है। हाँ हाँ गिनेंगे, गिनेंगे क्यों नहीं भाई, बगैर गिने तो हम अपने बाप से भी पैसे नहीं लेते। बेटे, ओ मेरे मुंबई वाले बेटे। अरे भाई जरा इधर तो आओ बेटे। ये लो नोट गिनो, देखो पूरे 50,000 हैं भी कि नहीं। जी अंकल। और भाई तुम कहाँ खिसक रहे हो भैया, पहले नोट तो गिनने दो हमें, कहीं एक आध कम हो गया तो तुम तो ये कहोगे हमने तो पूरे दिए थे आपने ही कम कर दिए होंगे हैं? नहीं यही बात तो हम कहना है, पहले हमें नोट गिनने दो। ये हमारे बेटे के दोस्त हैं, मुंबई में रहने, और बेटे ये तुम्हारी होने वाली भाभी के भाई हैं। एक मिनट अंकल, आप ऑटो चलाते हैं? जी जी हाँ मैं। अरे वाह, तुम इन्हें जानो हो बेटे? इसे नहीं जानूंगा तो किसे जानूंगा अंकल, ये चोर है। ये जो 50,000 रुपए आपको दे रहा है ना, ये मेरे रुपए हैं। चोर है? अरे बेटे क्या कह रहे हो तुम? ये बिल्कुल ठीक कह रहा हूं अंकल, पूछिए इससे ये पैसे मेरे हैं या नहीं है। मैं तो अपना बैग इसकी ऑटो में भूल गया था और ये पैसे मुझे लौटाने के बजाय उसे अपनी बहन का घर बसा रहा है, खर्च कर रहा है वहां पे। क्यों भाई? भाई चोर तो बहन कैसी होगी? नहीं नहीं चाचा जी, देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब ये इन्हीं के पैसे हैं, ये सच कह रहे हैं। ये तो बहू को खतराने वाली बात है। अरे भाई एक चोर और बेईमान आदमी की बहन हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, ये शादी नहीं होगी भाई। बेटे तुम जाके अपने दोस्त को रोको, फेरे ना लेवे, हम बारात वापस ले चल रहे हैं। नहीं नहीं अंकल, चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए, देखिए बारात वापस मत लौटाइए, नहीं तो मेरी बहन मेरे माँ बाप सब मर जाएंगे, सारा समाज मुझ पर थूकेगा। अरे भैया राजकुमार ये तो
चोरी करने से पहले सोचना था तुम्हें है? अब ये बताओ, ये तो अच्छा हुआ कि शादी से पहले हमें तुम्हारी असलियत का पता चल गया, वरना तुम्हारी बहन हमारे पूरे घर को चोर चोरी चोरी कर करके बेच डालती, समझे? हे भगवान, क्या जमाना आ गया है, लोग चोरी करते झिझकते ही नहीं। ए मुरली वाले, अच्छा किया तूने, वरना मेरे घर की इज्जत लुट गई होती। इन जैसे चोर खानदान की बहू लाकर छोड़ा जी। चाचा जी रुक जाइए, मैं चोर नहीं हूं, मेरी बहन चोर नहीं है, मेरे माँ बाप चोर नहीं है, मैं चोरों के खानदान से नहीं हूं। ये रिश्ता मत तोड़िए चाचा जी। अगर ये पैसे आपने किसी गलत तरीके से कमाए हैं तो मैं तुम्हें चोर लगता हूं? मुझे तो नहीं लगता, मगर आप जब से आए तब से ये सवाल दूसरी बार क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम बार बार मुझसे एक ही सवाल। आप क्यों मेरी सीधी सीधी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं? सच सच बोलिए, ये पैसे आपको कहां से मिले? ये पैसे, देखिए झूठ मत बोलिए, आपको मेरी कसम, ये पैसे मुझे उस बैग से मिला जो एक मुसाफिर मेरे ऑटो में भूल गया था। वो पैसे आपने उठा लिए? हाँ। ये तो चोरी हुई ना? चोरी कैसे हुई, वो ऑटो में भूल गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने उसके घर का ताला तोड़कर निकाला तो नहीं ना? देखिए, मुसाफिर और ड्राइवर के बीच एक अंधे के विश्वास का रिश्ता होता है। जब वो आपके ऑटो में बैठता है, ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके सामान की जिम्मेदारी भी आपकी होती है, और बिना उससे पूछे उसके सामान का इस्तेमाल करना, ये तो चोरी हुई ना? ये सब किताबी बातें हैं। मैं तो रोज ही टीवी पर देखता हूँ और सुनता हूँ कि कई लोग करोड़ों का घपला करते हैं, लाखों का कमीशन लेते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मन को बहलाने वाली बातें हैं ना, टीवी पर तो पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। लोग अपनी बीवी को जान से मार रहे हैं, उनको बेच डालते हैं। तो क्या तुम भी मुझे बेच डालोगे, जान से मार दोगे मुझे? यही सब तो दिखाते हैं ना टीवी पर। विद्या, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो फिर आपने वो पैसे क्यों उठाए? यकीन मानिए, अगर इससे गुड़िया की शादी हो गई ना, तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। जाइए, इन पैसों को वापस कराइए, फौरन जाइए। भाई चोर तो बहन कैसी होगी? नहीं नहीं चाचा जी, देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब ये इन्हीं के पैसे हैं, ये सच कह रहे हैं। अब मेरे कर्मों का दोष मेरी बहन पर मत डालिए। अरे बेटे राम, हम उस खानदान से होवे जो घोड़ा भी उसकी नस्ल देख के खरीदे हैं, समझे? ये तो वो बहू को खटलाने वाली बात है। अरे भाई, एक चोर और बेईमान आदमी की बहन हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, ये शादी नहीं होगी भाई। बेटे तुम जाके अपने दोस्त को रोको, फेरे ना लेवे, हम बारात वापस ले चल रहे हैं। नहीं, क्या हुआ? तुम ठीक कह रही हो विद्या, मजबूरी और परेशानी ने मुझे सच्चाई के मार्ग से भटका दिया था। मैं कल ही ये पैसे वापस कर दूंगा। मुझे आप पर गर्व है। और थैंक यू जो तुमने मेरी आंखें खोल दी।
भाई इस तरह सोचने से कुछ नहीं होगा, पुलिस में कंप्लेन करेंगे। उससे क्या होगा? अरे पुलिस ढूंढ निकालेगी ना उस चोर को। तुमको उस ऑटो का नंबर याद है? नहीं भाई। उसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी याद है भाई, एक लाफा दिया था ना साले को। हाँ इतना ध्यान है भाई, उसका खाकी वर्दी पहने लगा। खाकी वर्दी से क्या, मुंबई के कितने सारे ऑटो ड्राइवर्स खाकी वर्दी पहनते हैं। पुलिस के पास का कोई जादुई डंडा है जो उनमें से उसको ढूंढ निकालेगी? अरे भाई पुलिस ढूंढ सकती है, हमारे मुंबई की पुलिस बहुत फास्ट है। यार तुम अभी मेरा दिमाग खराब मत करो, एक तो वैसे टेंशन है ऊपर से बेसिर पैर के बातें किए जा रहा है। मैं तो आपके फायदे के लिए बोलो ना। अरे क्या खाक फायदे की बात कर रहा है तू? हम कोई सेलिब्रिटी है, शाहरुख खान है? जब पुलिस फौरन उसको ढूंढने में लग जाएगी। ये माथा पोड़ी बंद कर और मुझे सोचने दे कि 50,000 का नुकसान कहां से पूरा किया जाए। भाई कम से कम प्रोड्यूसर साहब को तो बता दो। अरे क्या फायदा होगा रशीद, उनको मेरी बात का यकीन आएगा? मुंह पर तो कुछ नहीं कहेंगे मगर मन में तो ये सोचेंगे ना कि मुझे घर लेने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने 50,000 की झूठी कहानी गढ़ दी और 50,000 का झोल कर दिया। हाँ भाई बात तो ठीक कह रहे हो। रशीद मैं सोच रहा हूँ जो मुझे सैलरी का चेक मिला है ना, उससे कम से कम आज की शूटिंग तो निकला दो, बाकी पैसों का मामू से इंतजाम करो। यार ये मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बारे में गलत सोचे। लो आ गया किसी एक्टर का फोन पेमेंट के लिए। यार मैं तंग आ गया हूं लोगों से झूठ बोलते बोलते टालते टालते। भाई कम से कम फोन तो उठाओ। नहीं उठाता, तू उठा, बोल दे मैं दिल्ली में हूं। हेलो कौन बोल रहा है? हेलो मैं राम बोल रहा हूँ। लो अब भगवान राम भी फोन पे बात करने लगे। जोक मार रहा हूँ यार, बोलो क्या बात है? अगर पेमेंट के लिए फोन किया भाई तो पेमेंट अभी नहीं होगी, जब प्रोड्यूसर साहब आएंगे तब पेमेंट होगा। मैंने पेमेंट के लिए फोन नहीं किया है, मैं तो स्ट्रगलर हो, एक्टर हो, रोल चाहिए तुम्हें तो कोई रोल नहीं है भाई, जब होगा तब बुला लेंगे। मुझे अजमत जी से बात करनी है। भाई से? भाई तो दुबई गए। 50,000 रुपया गुम गया तो दुबई चले गए? आइला तेरे को कैसे मालूम भाई के पैसे गुमे ले? क्योंकि जिस ऑटो में उनका बैग खोया था वो मेरा ही ऑटो है। अबे तेरी तो, तू है किधर अभी? खाली बताओ उड़ के पहुंचता हूँ उधर, बैग लाया ना अपने साथ। राम भाई, राम भाई मैं अजमत बोल रहा हूँ। मैंने आपकी अमानत संभाल के रखी है, आकर ले लीजिए। थैंक यू। आप कहाँ पर हैं राम भाई? नहीं नहीं मैं वहीं आ रहा हूँ जहाँ पर आपके एक दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा था, महज 75 पैसे के लिए। सॉरी सॉरी आप स्टूडियो में हैं? आप स्टूडियो में रुकिए, हमारी शूटिंग उधर ही है, मैं अभी फौरन आ जाता हूँ, उधर ही रुकना प्लीज। चल 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 चल। सब कुछ वैसे का वैसा ही है, एक भी चीज कम नहीं हुई है। मैंने सिर्फ आपकी डायरी में से आपका नंबर निकालने के लिए उसे छुआ है, बाकी किसी भी चीज को हाथ भी नहीं लगाया है। अरे राम भाई, राम भाई आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। अरे मुन्ना मुंह क्या देख रहा है, चाय पानी का इंतजाम करना। दिनेश चाय ला। जी ला। राम भाई पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मेरा सामान वापस लौटा दिया, और सॉरी सॉरी हमने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है। रशीद राम भाई से माफी मांग। अरे कोई बात नहीं भाई बैठो। चलो राम भाई चलो।
राम भाई, वैसे ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती है, फिर भी अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो प्लीज मुझे बोल दीजिएगा। आप मेरे लिए क्या करेंगे साहब? मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, बस यही संतोष बहुत है। अरे नहीं नहीं, कुछ तो बोलिए वरना मेरे दिल पे बोझ रह जाएगा। तो ये 50,000 रुपए मुझे दे दीजिए, हफ्ते भर बाद मेरी बहन की शादी है, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। विश्वास रखिए, कर्ज मांग रहा हूं, दिन रात ऑटो चलाकर मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। ए शाने। ए रशीद, रुको। राम भाई, अगर ऐसी ही बात थी तो आपने पैसे लौटाए क्यों? रख लेते, मैं आपको कभी ढूंढ नहीं पाता। सच पूछिए तो मेरी नीयत तो खराब हो ही गई थी, लेकिन मेरी बीवी ने सही रास्ता दिखाकर मुझे भटकने से बचा लिया। अब मैं नहीं जानता कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए पैसों का इंतजाम कर भी पाऊंगा या नहीं। बस चलता हूं, ऑटो बेचने जाना है, 25,000 तो मिल ही जाएंगे। नमस्कार। ए, राम भाई, राम भाई, एक मिनट, एक प्लीज, एक मिनट, एक राम भाई। अरे भाई, क्या कर रहे हो भाई, अपनी शूटिंग? रशीद, आज की शूटिंग निपट गई, कल की भी निपट जाएगी, लेकिन इस भले आदमी की बहन की बारात वापस लौट गई तो फिर कभी लौट के नहीं आएगी। राम भाई, मेरी भी बहनें हैं, बहनों की शादियों की मजबूरियां तकलीफें मैं समझ सकता हूं। ये रख लो और अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना। मैं एक एक पैसा लौटा दूंगा आपका। जानता जानता, जो आदमी मिली रकम वापस कर सकता है वो कर्ज जरूर चुकाएगा, लेकिन राम भाई, ये कर्ज चुकाने के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी चुका पाए तो भी मैं समझूंगा कि मैंने अपनी बहन की शादी में खर्च कर दिए। आज तूने मेरी शूटिंग की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर। अरे ऐसा तो मुगले आजम में भी नहीं हुआ, किसी की बहन की शादी कराई हो। वाह, और तुमने जो ईमानदारी दिखाई है, वाह।